महाबली हनुमान जी नु एक धाम। पांचो वर्ष करता पण प्राचीन शिवलिंग। तण संतोनी समाधि। गादी पर विराजमान एक गुरुदेव। आ चार खूणाओ वच्चे चमत्कारनी एक दुनिया वसे छे, जे डगले अने पगले लोकोने चकित करे छे, विचारवा मजबूर करी दे छे। फरियादीना मगजमां जे होय छे ते फरियादी बतावे ते पहला बाबाना कागळ पर छपाई जाय छे। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, तीसरे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा। पीयूष अग्रवाल गुजरात, बच्चा गंभीर हालत में परेशान, खून में इन्फेक्शन, नस दबी, एक साल से दवा काम नहीं कर रही, गर्दन में समस्या, चेतन विद्या की गई, लाभ होगा, आशीर्वाद। पीड़ित ना मन में जे बात होय छे ते पीड़ित बोले ते पहला बाबानी जुबान पर होय छे। कृपा होगी, पूर्ण लाभ होगा। घर में एक ना एक बीमार 2017 से है, घाव बना, गले में कैंसर नामक रोग हुआ है। कहीं बोलवानी जरूर नहीं, कहीं बतावानी जरूर नहीं, बस बाबानी सामे उभा रहेवानी छे, पछी समस्या थी लई समाधान सुधी, पछी बधु पड़वार मां तमारी सामे। लोको कहे छे के आ बाबा नो चमत्कार छे, बाबा कहे छे आ चमत्कार महादेव महाबली अने दिव्य शक्तिओनो छे, जे आ धाम परिसर मां 24 कलाक हाजरा हजूर छे। आ दावानी पड़ताल माटे आजे तमारी सामे घणुं बधुं एवुं हशे जे आज सुधी क्यारेय नथी थयुं। अमारी टीम साथे पण कंईक एवी घटना थशे जेनो सामनो आज सुधी अमे नथी कर्यो। મનની વાત જાણનારને અંતર્યામી કહેવાય છે। આમ તો અંતર્યામી માત્ર ભગવાન હોય છે, પણ ધરતી પર કંઈક એવા લોકો છે જેમને સામેવાળાની મનની વાત કંઈ બતાવ્યા વગર જ ખબર પડી જતી હોવાનો દાવો કરે છે। મધ્યપ્રદેશના છત્તરપુરમાં આવા જ એક બાબા છે। દાવા મુજબ બાબા સામે ઉભેલા ફરિયાદીની દરેક વાત જાણી લે છે। ફરિયાદીએ માત્ર બાબાની સામે ઊભા રહેવાનું છે। થોડી વારમાં તેનો ભૂતકાળ વર્તમાન અને ભવિષ્ય બાબાના કાગળ પર નોંધાઈ જાય છે। કઈ કહ્યા વિના બધું જાણી લેવું તે ભગવાનનું કામ છે। આ વ્યક્તિ કોણ છે જે ભગવાનની જેમ અંતર્યામી છે? ખબર નહીં આ ચમત્કાર છે કે ચાલબાજ, આ લોકોની આસ્થા છે કે અંધવિશ્વાસ? तो ये है बागेश्वर धाम। बड़ी छोटी सी नॉन डिस्क्रिप्ट जगह है। साल दो साल पहले अगर आप पन्ना या छतरपुर में पूछते तो शायद ही कोई आपको बता पाता, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये जगह सोशल मीडिया पर बेइंतहा वायरल है। वजह यह है कि यहाँ पर एक पर्चा बनता है, दरबार लगता है और आपकी हर जानकारी को उस कागज़ पर दर्ज कर दिया जाता है, वो भी बिना आपसे पूछे। सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है, क्या वाकई ऐसा होता है या इसमें कुछ ट्रिक इन्वॉल्व है, हमको नहीं पता। हमने सिर्फ वीडियोस देखी हैं जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और उनके हर सवाल का जवाब बिना कुछ बोले मिल जाता है। तो बागेश्वर धाम पहुंच गए हैं, आइए देखते हैं कि इस दरबार में आखिर होता क्या है। कोई ने कही कहा बिना हमारी टीम दरबार में पहुंची गई। अबधाती दूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, जेमने लोको गुरुदेव अने बाबा कहे छे, तेओ सोफा पर बैठा हता, कागळ पर कईक लखी रहा हता। अमे अहीं बाबा ने पूरी बात कही, अहीं आववानुं कारण कह्युं। नवाई त्यारे लागी ज्यारे बाबाए कोई आनाकानी विना आ रियालिटी टेस्ट माटे हा पाड़ी दीधी। फरियादीनो कोई क्रम नक्की नहोतो। आ महिलाने
नाम अने नंबर विना बोलावामां आवी। कई बोल्या विना महिला बाबा पासे बेसी गई। बाबा कागल पर लखी रहा हता। लख्या बाद बाबाए महिला ने नजीक बोलावी। नजदीक आए माता जी, बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो माता जी, कार जी है बालाजी के, चलो रोक दो बना। कहाँ से आई आप? दिल्ली से आई। दिल्ली में कहाँ रहती है? गाजियाबाद में रहती है। अच्छा अच्छा, पहली बार आई है? हाँ जी, पहली। किसी को अपना प्रश्न बताया? हमें किसी ने बताया था, कोई छतरपुर की रहती तो हाँ पंडित जी। अच्छा, उन्होंने दिल्ली में रहते हैं। हाँ, उन्होंने। किसी को आपने अपनी परेशानी तो नहीं बताई? यहाँ नहीं, ऐसे पूछिए। क्या पूछना है? हम पढ़वाएं आपको? पढ़े लिखे हैं? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। अब और बढ़िया, किसको पढ़वा दें? तो मैं पढ़वा दें। हमारी टीम ने ज ते महिलानो कागळ वांचवा कहेवामां आव्युं, जे बाबाए महिलाने कई बताव्या विना लख्यो हतो। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ, गंभीर हालत है, तीसरे स्टेज का है, डॉक्टर को दिखवा लिया, आराम नहीं लगा, धीरे धीरे लाभ होगा, 2022-28 अगस्त तक स्वस्थ होगी, आशीर्वाद। कागल पर बाबाए बतावेली बधी वातो लखेली हती, ते पण नाम साथे। बाबाए नाम पण नहोतु पूछ्यु। श्री सीताराम नाम भगवान की, कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आई। तरत ज गायत्री देवी नी शोध शुरू थई। यहाँ पहले से किसी को लिखवा तो नहीं दिया आपने? नाम आम तो नहीं बताया? इमरजेंसी में, कार्यालय में काउ ने पूछो तो नहीं आ? आ कहीं नहीं, हमारा पड़कार नो जवाब हतो। कहवाय छे के बाबा चिट्ठी बनावी कोई ने पण बोलावी ले छे। हम 1999 से ही परेशान हैं, 2005 से अति से ज्यादा विसंगति में फंसे हैं, एल्कोहल की मात्रा इनने ज्यादा लाई, यही से जे बीमार है, बप्पा जी कृपा करते हैं, आशीर्वाद। ऐसा ही है जैसा बाबा जी ने बताया है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब शराब वगैरह पीने की वजह से बीमारी हो गई थी? हाँ, शराब और सिगरेट। शराब और सिगरेट अभी भी नहीं छूट रहा है। पंजाब नो एक व्यक्ति भेट सौगात साथे बाबा ने मळवा पहुंचो, जेना कहवा मुजब बाबा ना आशीर्वाद थी तेमनु बाळक बोलवा लाग्यु छे। अमे ते व्यक्ति साथे एकांत में वात करी। लिखा हुआ है कि बालक आपका मंदबुद्धि का, दिमाग कमजोर तथा जन्मजात ब्रेन नस पितु दोष कारण से भूत बाधा का प्रभाव मृतक मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें थी आपके बच्चे के साथ। देखिए, जब पहली बार आए होंगे तब बाबा ने इनको कागज़ दिया होगा, उसको बाकायदा लेमिनेट करा लिया है, मतलब इस तरह से रखा हुआ है और लिखा हुआ है कि बालक आपका मन बुद्धि दिमाग कमज़ोर और मतलब जो जो प्रॉब्लम्स है, ये बताइए क्या अब कैसा है? अब ठीक है, वो अब बोलता है, क्लियर बोल रहा है, आपने बताने लग गया, मैं क्लियर बोल रहा हूँ पापा। लेकिन जो जो जैसा आप बता रहे हैं कि मन बुद्धि था, भूल नहीं पाता था, वो लोग तो भूल नहीं पाते हैं अमूमन, मतलब जीवन भर वो जी। तो ठीक हो गए ना अभी? क्या बोल रहा, हमें बहुत खुशी हुई, हम दूसरी बार यहाँ पर आए। तो डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने क्या कहा था उस वक्त? तो कहते हैं मजबूती की रहेगा, इसको समझ नहीं आया, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। डॉक्टर लेकिन वो बोल रहा है अभी। हमें ही जोयो कि बाबा कोई नू पर नाम लेता था, कोई ना घर ना नाम थी। तो क्यारेक फरियादी साथे आवेला ते व्यक्ति ना नाम थी जेनू अही रजिस्ट्रेशन मा नाम पण नथी। कोई गायत्री देवी नाम से अर्जी आए? पहले का नाम है। नाम वगैरह किसी ने पूछा आपसे? नहीं, मैं कहीं भी नहीं। कोई नाम वाम आपने नहीं बताया? के साथ आई। अच्छा, पर्चा बनवाया बस आपने यहाँ पे, वो टोकन? हाँ, टोकन इनके नाम का है, मैं इनके साथ आई। अच्छा, आप इनके साथ। अमारो रस बाबा नी ते शक्ति मा छे जेनाथी बाबा फरियादी ना मन नी वात जानी जाय छे, ते पण एकदम सचोट, माटे अमे एक जाळ बिछावी, पण पड़ताल करता करता अमे पण ते जाळ मा फसाई गया। अमारी विशेष रजूआत में रोकाईशु एक विराम माटे, आप जोड़ायेला रहो न्यूज 18 गुजराती साथे।
चमत्कार ना बधा दावा अने बधी हकीकत एक तरफ अने दरबार मां जे थई रह्युं हतुं ते बीजी तरफ अमने रस हतो के अमे आ रहस्यना मूळ सुधी जईए माटे अमे नक्की कर्युं के अत्यार सुधी फरियादीओ ने बाबा बोलावे छे त्यारे हवे अमे फरियादीओनी पसंद करीशुं। नवो दिवस नवी अरजीओ पण अमारा માટે પડકાર જૂનો કે બાબા મનની વાત કેવી રીતે જાણી જાય છે। દરબારના એક ફરિયાદીને લઈ અમારી ટીમ રૂમની બહાર નીકળી। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा कि बागेश्वर धाम का रियलिटी चेक हम करेंगे। अब पर्चे तो बाबा बनाते हैं तो बाबा ही बनाएंगे, लेकिन मैं उससे पहले एक पर्चा खुद बनाऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं लिखूंगा यहां पर और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमने लिखा है उससे जो बाबा पर्चा बनाते हैं वो कितना मैच करता है। नाम बताइए पहले तो आप मुझे अपना। अर्जुन सिंह नाम है। अर्जुन सिंह मेरा नाम है। अच्छा, और आपके बेटे का क्या नाम है? इनका सचिन सिंह। और इन आपके बेटे का नाम है सचिन सिंह। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने नाम लिख लिया है। एक तरफ अर्जुन सिंह है फादर और सचिन सिंह इनके बेटे, मतलब दो चीज़ें हमने नोट कर ली। अब इसमें से एक नाम तो बाबा क्योंकि नाम बता देते हैं बहुत आसानी से तो बता पाएंगे। आप कहाँ से आए हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से। ठीक है, ये मैंने बैंगलोर भी लिख लिया। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहोगे टॉन्सिल, गले में टॉन्सिल हो जाता है। अच्छा, सचिन के गले में टॉन्सिल हो जाता है। ठीक है, टॉन्सिल गले में। ठीक है, और जब भी इनका एग्जाम या कुछ स्कूल का था तभी होता हूँ। अच्छा, जैसे अब कल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन होएगा। अच्छा, ऑपरेशन के लिए हमने डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा जी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने पास नोट कर लीजिए, मैंने भी नोट कर ली। और अब जब बाबा इनका पर्चा बनाएंगे तब पता चलेगा कि वो क्या लिखते हैं। तो एक पर्चा हमने बनाया है, एक पर्चा बाबा बनाएंगे और फिर उन दोनों पर्चों को हम कंपेयर करेंगे, एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे। उसी वक्त आपको दिखाएंगे भी कि क्या कहा गया। અમે જાણી જોઈને તે કેસ લીધો જેમાં ફરિયાદીએ કેટલાય મહિનાઓ પહેલા ટોકન લીધું હતું। કારણ તે કે ટોકન લેનારને માત્ર ફોન નંબર બતાવવાનો હોય છે, જો કે એક કેસ પૂરતો નથી। સા ભી તો હો સકતા હે કે સારે પ્લાન્ટેડ હો ભાઈ, વૈસે 2000 4000 લોગ પ્લાન્ટ નહીં હો સકતે, મુજે ભી પતા હે પોસિબલ હી નહીં હે। ઇતની દૂર દૂર સે જો લોગ આ રહે હૈ, જાહિર બાત હે ના એક્ટર્સ હે ના પ્લાન્ટેડ હે ના ઉનકી પહેલે સે કોઈ જાણકારી લી ગઈ હૈ, ખુદ બતા રહે હૈ। लेकिन फिर भी आपका डाउट क्लियर करने के लिए हमारे पास अवधेश हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, हमारी ही टीम से हैं, हमारे ही साथ ही ये यहाँ आए हैं दिल्ली से। तो मैंने सोचा कि इनके भी तो मन में हो सकता है। अब आदमी ऐसी जगहों पर आता है किसी धाम पर तो सवाल होते हैं। तो अवधेश, तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई जानकारी है जो तुम पूछना चाहते हो? हाँ सर, पूछना चाहता हूँ। अच्छा, तो पहले तो तुम मुझे पूरा नाम बताओ, मुझे भी नहीं पता इनका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम अवधेश शर्मा। अवधेश शर्मा, और कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर का। बुलंदशहर, ठीक है। और सवाल बताओ, तुम्हारे मन में क्या है जो तुम जानना चाहते हो कि बाबा जी तुम्हारे बारे में बताएं? सवाल ये है कि मतलब तरक्की ऊपर जाने के, तरक्की कैसे हो, मतलब अच्छा पैसा कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, तरक्की है। तरक्की और पैसा, कोई और ऐसा स्पेसिफिक चीज़ जो तुम चाहते हो कि जिसकी तुमको जवाब मिले? जैसे घर में तकलीफ वगैरह, जैसे बीमारी उमारी ज़्यादा। अच्छा, घर में बीमारी? हाँ, जैसे मेरी मम्मी बीमार है मेरी। ठीक है, घर में बीमारी है, मम्मी बीमार। हाँ ठीक है, चलो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। या कुछ और भी है जो नहीं, तुम पूछना चाहते? मम्मी को कम दिखाई देता है, मतलब उसके हाँ, कम दिखाई देता है। हाँ देखिए, ये बड़ी स्पेसिफिक चीज़ आई है कि मम्मी को कम दिखाई देता है, मम्मी को आँखों की प्रॉब्लम है। तो अब ये एक चीज़ है, जैसे वहाँ पर बड़ी स्पेसिफिक बीमारियाँ वो बता रहे हैं कि गले में है, सर में है, पेट में है। अब ये अवधेश का हमने लिखा है, एक तो पैसा और तरक्की, चलो मान लिया कि आदमी हिसाब लगा ले कि यंग आदमी आया है यही पूछेगा। क्या दिखाई कम देता है, मतलब माँ की आँख में प्रॉब्लम है, वो हम समझते हैं कि किस तरह से हो सकता है। आइए, आ गए भाई, वो आ गए, आ जाओ। बोलो सन्यासी बाबा की। बाबा दरबार में पहुंची चुक्या था, हॉल भरेलो हतो, फरियादी पोताना वारानी राह जोई रहा था। जोईए बाबानी भविष्यवाणी केटली साची पड़े छे।
આ બધાની અરજી પહેલાથી અમારા ખિસ્સામાં હતી, જેને બાબાની અરજી સાથે મેળવવાની હતી. બાબા જી દો તીન લોગ હૈ, હમ અભી બુલાતે હૈ, જૈસા જૈસા આદેશ લગતા હૈ. જી સચિન સિંહ. અરે અમારી ટીમ સચિન સિંહને બોલાવવાની હતી, તે બાબાને કેવી રીતે ખબર પડી ગઈ? બાબાએ ચિઠ્ઠી લખવાનું શરૂ કર્યું. કોઈ વાત નહીં. કોણ હૈ? મેરા બેટા. બેટા યહાં પહેલે સે કિસી કો પરેશાની બતાઈ? કિસી ને પૂછા આપસે? અચ્છા નહીં બતાઈ તો આપ પઢો લીજીએ. આપ પરચા દેખીએ. गले में दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं, गले में छाले बने रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, टोटका किया गया, लाभ होगा बेटा को, आशीर्वाद है. आ केवी रीते थयु? आ तो एक एक बात साची निकली. सचिन ने चिट्ठी जे हमारी पासे हती, जे बाबा ए बनावी, ते एक बीजा थी एकदम मैच करती हती. અમે હવે અમારી ટીમના એક સભ્યને બાબા સમક્ષ લાવવાની તૈયારી કરી. અમે વિચાર્યું કે વધુમાં વધુ બાબા શું કરશે. અમે વિચાર્યું કે બાબા તેના વિશે પણ કહી દેશે, પણ બાબાએ પોતાના ચમત્કારનો ભાલો અમારા વિચારથી પણ આગળ ફેંક્યો. આપ જો સોચતે જા રહે હૈ વો કોઈ બતા રહા, મન મે હમારે પ્રેરણા દે રહા, હમ અબ વોહી હોતા જા રહા. अब हमने तीनों आपकी ही टीम है भाई. दिल्ली से हम तीन लोग आए हैं, बाकी ये दो हमारे यहाँ के सहयोगी हैं. बुलाएंगे तीन आप तीनों आए हुए हैं. हम तो पहली बार है यहाँ पर. आपने अपना भर नाम लगाया बताया है, बाकी कोई परिचय तो हमने किया नहीं. नहीं आपने करवाया तो नहीं. नहीं हाँ जी या ना जी? बिल्कुल नहीं. अब इनमें से हम बुलाते हैं जिनकी हमारे लिए प्रेरणा आती है, हम उनको तीन में से बुलाते हैं. દિલ્હીથી ગયેલી અમારી ટીમમાં રિપોર્ટર સહિત ત્રણ લોકો હતા, જેમાંથી એકને બાબા સમક્ષ હાજર કરવાની રણનીતિ હતી. આપકા નામ સોહેલ હૈ પર આપકે સાથ કોઈ નજીમ અંસારી જી હૈ, ઇનકો ભેટિયા જાય. વેલકમ ટુ યુ બાગેશ્વર. બોલે બાગેશ્વર. અરે આ તો અમારા કેમેરામેન નું નામ છે, જે હંમેશા કેમેરા પાછળ રહે છે. અમે તો કોઈ બીજા વ્યક્તિને રજૂ કરવાની યોજના બનાવી હતી. નામ એકદમ સાચું નહોતું, પણ નજીક હતું. ઇન લોગો સે કિસી સે પતા કર લિયા હો, ખેર આપ માન રહે હૈ કે એસા નહીં હૈ? નહીં, દુર્ગેશ કે સાથ હમ દો દિન સે રહ રહે હૈ, નહીં પતા હૈ. દુર્ગેશ કો ભી પતા નહીં, આપકે પત્રકારો કો ભી પતા નહીં, પર આપકે બેટે કા નામ નહીં ઇનકો પતા હોગા. યસ નો? વેલકમ, કમ હિયર. पूरे एमपी में अगर इनके बेटे का कोई नाम इस वक्त जानता होगा तो मैं जानता हूँ. पूरे एमपी में अगर कोई जानता होगा तो कोई नाम जानता होगा तो आप जानते होंगे. दूसरे बागेश्वर वाले बालाजी जानत तुम्हारे चांदपुर खन की. लीजिए कैमरामैन नजीम अंसारी, आपका नाम है, आपके बेटे का नाम नवीद है. बढ़ेगा, खुश रहेगा, खुश रहेगा. और तुम्हारी जैसी हाइट का है, पढ़ेगा, बुद्धिमान है, आगे जाएगा, दोनों बच्चियां खुश रहेंगी, आशीर्वाद. इनके बेटे भी पता है, दो बेटियां, दो बेटियां वो भी पता है. सबसे छोटी बेटी है वो भी हमें पता है. जी बिल्कुल ठीक. सबसे छोटी बेटी है वो भी पता है. कुशीनगर के है ये भी हमें पता है. कुशीनगर के रहने वाले हैं वो भी हमें पता है. નવાઈ લાગે તેવી વાત છે. આ ધામમાં રોજ હજારો લોકો આવે છે. તેમની સમસ્યા, તેમની બીમારીનું નામ કાગળ પર લખવું, તેમને નામથી બોલાવવા, આ બધું કેવી રીતે થાય છે? અમારી ટીમ દિલ્હીમાં કરણસિંહ પાસે પહોંચી. અમે પહેલો જ સવાલ કર્યો કે આ માઇન્ડ રીડિંગ શું છે. મેં અપને આપકો સ્ટેજ પે મેજિશિયન બહોત રેરલી બુલાતા હું. મેં અપને આપકો સાયકોલોજિકલ ઇલ્યુઝનિસ્ટ બુલાતા હું, જ્યાં પે મેં સાયકોલોજી ઓર ઇલ્યુઝન મિક્સ કર રહા હું. क्योंकि साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी जो है, कैन टेल यू सो मच अबाउट पीपल. बॉडी लैंग्वेज से क्या क्या बताएगा? कुछ भी सोहेल. अगर आप अपनी फैमिली से जैसे क्लोज हो, अगर आपके घर पे कोई झूठ बोलता है तो आपको पता चल जाता है. अगर आपके कोई बहुत क्लोज दोस्त कोई आपको कुछ बोलता है तो पता चल जाता है.
वही चीज़ आपको पता चलती है कि आप उस इंसान को बहुत अच्छी तरह जानते हो। कई बार आई एम श्योर आपके साथ और लोग जो घर पे देख रहे हैं उनके साथ भी हुआ है कि कोई स्ट्रेंजर भी ऑफिस में या चलते सड़क में अगर कोई आपको कुछ बेच रहा है तो आपको पता है कब कौन झूठ बोल रहा है। तो वही चीज़ अगर मैं अपने शोज में अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम डूइंग इट फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स द सेम, यू कैन फिगर आउट एनी थिंग, देयर नेम्स, देयर डेट ऑफ बर्थ, कि अब क्या बीमारी है उनको, उन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, वो ढंग से सोए हैं कि नहीं रात को, उनका सर दर्द कर रहा है कि नहीं, देयर सो मच यू कैन फिगर आउट जस्ट बेस्ड ऑन देयर बॉडी। અમે કરણને ધામ અને ધામની આખી કહાની કહી, પછી કરણ જે કહ્યું તે ચોંકાવનારું હતું। ऐसे बहुत सारे बाबा बाबा जो हम बात कर रहे थे वो बोलते हैं कि हमको भगवान की दी हुई शक्तियाँ ये हैं वो, मेरे में वो नहीं है, मुझे ये नहीं पता कि उनमें है कि नहीं, बट अगर मैं बिना शक्तियों के कर सकता हूँ ये चीज़ फॉर एंटरटेनमेंट तो हु इज टू से कि वो सेम चीज़ नहीं कर रही है, दैट इज माई लॉजिक बिहाइंड इट। आपका नाम शकुंतला देवी है, गर्भाशय में दिक्कत है, कैंसर नामक रोग हुआ। અમે કહ્યું કે આખો ખેલ માઇન્ડ રીડિંગનો છે તો કંઈક કરીને બતાવો। તો કરણ આપને હમકો સમજા તો દિયા ઓર આપને બતા ભી દિયા કે કિસ તરહ સે કિયા જાતા હે, લેકિન પ્રેક્ટિકલી જિસ તરહ સે વો ચમત્કાર કરકે દિખા રહે થે, હા, અબ આપ ઇતના દાવા કર રહે હૈ તો ચમત્કાર કે ઠીક હૈ। ચમત્કાર કરને સે પહેલે બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હૈ કે લોગો કો ના લગે કે હમને સેટઅપ કરા હુઆ હૈ, મેને આપકો યે નહીં બોલા કે એક્ટિંગ કર લેના યા હેલ્પ કર દેના, એસા કુછ નહીં કરા, ઠીક હૈ। तो आपके आपके कोई बच्चे बच्चे हैं? मुझे है कैमरे पे बता देता हूँ, मेरे दो बच्चे हैं। तो आर यू कंफर्टेबल फर्स्टली कि आप में आपके दो बच्चे हैं, तो आर यू कंफर्टेबल के बड़े बच्चे का नाम मैं फिगर आउट करने की कोशिश करूँ और सबको बता दूँ? आप कर सकते हैं तो करिए, मुझे लगता नहीं कि आप कर पाएंगे। आप ठीक है, ये जानते भी नहीं है कि मेरा बच्चा लड़का है लड़की है कुछ नहीं पता। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो जो भी ये बड़ा बच्चा है उनके बारे में सोचिए, सोचिए कि आज उनका बर्थडे है, आज यहाँ पे हम दोनों मिले हैं हमारे शूट के लिए नहीं बट उनकी बर्थडे की प्लानिंग करने के लिए। तो केक कट रहा है एंड ऑल ऑफ अस आर सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, एंड फिर वो नाम आप अपने दिमाग में बोलिए और ये जो भी नाम है दोहराते रहिए इन योर माइंड, कुछ भी जोर से नहीं, बस बोलते रहिए अगेन एंड अगेन। तो नाउ आई वांट यू टू थिंक उनके नाम के बीच में कोई भी एक लेटर, जैसे मेरा नाम करण है के ए आर ए एन, तो आर सोच सकते हो, बिल्कुल मिडिल लेटर सोचो, ठीक है। तो जो भी ये लेटर है अपने दिमाग में बार बार बोलिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। ओ कैमरा पे शायद ये कैच हुआ होगा शायद नहीं होगा, जरा सा ये करा आपने, मैं थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा हूँ बट मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट जो लेटर आप सोच रहे हो इज द लेटर ए। Yes, ऑलमोस्ट आपकी एक्सप्रेशन ऐसी थी कि आप ए आउट लाउड बोलने वाले हो। ए ही सोच रहा था। क्या आपने मन में, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन हिज नेम? जोर से कुछ नहीं, बस मन में काउंट कर लीजिए। डन, ओके, दैट वाज फेयरली क्विक, ये ज्यादा लंबा नाम नहीं है। तो नेक्स्ट थिंग, कैन यू थिंक ऑफ द फर्स्ट लेटर, जो भी फर्स्ट लेटर है इसके बारे में सोचिए। ओके लास्ट लेटर, व्हाट आई डू सोहेल इज मैं लिख के कैमरा को दिखा देता हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नाम क्या है, आपको दिखाने से पहले। हो सकता है सोहेल मेरा लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, मैं दो लेटर में कन्फ्यूज्ड हूँ, बट ऐसा ही कुछ होना चाहिए नाम। मैं कैमरा में दिखा देता हूँ, जो भी कैमरा के पीछे अगर आपको उनका नाम पता है तो प्लीज़ रिएक्ट मत करिएगा। आई थिंक ये नाम होना चाहिए। सोहेल मैं तीन तक गिनूंगा, जब मैं थ्री पहुँचूंगा आप नाम बताना मुझे। 1 2 3 शाज। जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट लेटर में शायद मैं गलत हूँ, आई गॉट शाद। भगवान ने कोई शक्तियां नहीं दी है। बाबा जे रीते अमारा कैमरामैन अने तेमना पुत्र नु नाम कयु, तेवी ज रीते एक माइंड रीडरे अमारा रिपोर्टर ना पुत्र नु नाम कही दीधु। ફરક માત્ર એટલો જ છે કે એક વ્યક્તિએ આ કામ ધામમાં કર્યું તો બીજા વ્યક્તિએ ઘરના ડ્રોઈંગ રૂમમાં। બંને તસવીરો તમારી સમક્ષ છે, તમે કઈ તસવીર સાથે જવા માંગો છો તે તમારા વિચારો પર નિર્ભર રહે છે। અમારી વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું, દેશ પ્રદેશની તમામ ખબરો માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી।